यह वीडियो सिर्फ मंदिर पहुंचने के बाद किए हैं, उससे पहले की सारी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट चेक करें। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिले टेक एंड ट्रेवल वीडियो सबसे पहले। यात्रियों के आने जाने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है, जो कि नीचे बेस में फाटा से आपको मिल जाते हैं। शुल्क से भी काफ़ी हैं, टिकट का लगभग 6 से 7 हज़ार के बीच होता है आने जाने दोनों का। अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ की वीडियो। तो ये ऊपर पहाड़ों पर से नदी आ रही है जिसका नाम केदार रिवर है, आगे जाकर मंदाकिनी भी बोला जाता है। तो ये इस समय दोनों तरफ से आ रही है, ऊपर जितने भी हमारे पहाड़ हैं वो सब पिघल के जितना भी बर्फ है वो नीचे डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है और लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। हम भी नहाए थे, बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ पर, एकदम चिल्ड। हम यहाँ पर 1 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं रुक पाए पानी के अंदर। अब हम यहाँ पर मंदिर के सामने खड़े हैं, लाइन लगी हुई है, देखिए आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। और मैं और पीयूष हम साथ में खड़े हैं, पीयूष के हाथ में प्रसाद है, वहाँ आपको दिखा रहा है। और बाकी ये भी हम देखते हैं इसके आगे कितना भी हमें टाइम लगता है, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है और जितनी भी रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं वो हम यहीं पर कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है। मंदिर के बाहर ही आप जितनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहाँ पर इवन आप एक सिंगल फ़ोटो भी क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास टाइम भी बहुत कम ही मिलता है। केदारनाथ और जो नदी में नहाए हैं कुछ नहाए हैं भाई, पानी था कुछ पानी था बिल्कुल, बहुत से बार अगली बार। दोस्तों मंदिर के दर्शन करके अब हम बाहर आ चुके हैं। आपको ये सामने जो पत्थर दिख रहा है ये पहाड़ के समय, पीछे आपको मंदिर दिख रहा है और सामने ये पत्थर है। तो पहाड़ के समय यही पत्थर यहाँ पर आ गया था, इसको चमत्कार कहें हम या फिर कोई संयोग कहें कि मंदिर इसकी वजह से बच गया है। और ऊपर से जो आपको दिख रहा है जगह वहाँ पर, वहाँ से डायरेक्ट पानी यहाँ पर आया और इस पत्थर से पानी रुक गया और बाकी जबकि सब कुछ यहाँ से बह गया था। बाकी अब दोबारा ऐसी कंडीशन ना हो इसलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और चारों तरफ दीवार बनाई जा रही है। अगर आपको यहाँ पीछे दिख रहा हो पत्थर पड़े हुए हैं, ये दीवार चारों तरफ से हो गई है ताकि पानी जब भी आए सीधे डाइवर्ट हो जाए नदी की तरफ और मंदिर का जो आंगन है, मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ तक ये पानी ना पहुँच पाए। शिवाय शंकरान।